प्रदेश में एक ऐसी गैंग जिसकी सक्रियता ने पुलिस के होश उड़ा रखे हैं, क्योंकि इस गैंग का राजस्थान में कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, ना ही जानकारी कि ये गैंग कैसे काम करती है, इसमें कितने सदस्य हैं, शिकार बनाने का तरीका क्या है और क्यों ये हत्या करने से भी नहीं झिझकते। लेकिन जब वारदातें बढ़ती चली गई, पुलिस का विरोध होने लगा, पुलिस पर सवाल खड़े होने लगे, तो फिर पुलिस ने इस गैंग तक पहुंचना शुरू किया। गैंग राजस्थान में सक्रिय थी, अड्डा यूपी में बनाया गया, पंजाबी बोलते थे और सरदार बनने की होड़ थी। ये रिपोर्ट देखिए। ये गैंग बेहद खतरनाक है। ये लोग एक डेंजरस ग्रुप है इनका। इस गैंग के सदस्य हैवान है। जब भी कोई वारदात करते हैं तो उसमें मोस्टली ये लोग हत्याएं हुई जाती हैं इनसे। ये बच्चों को भी जान से मार देते हैं। कोई भी कुरेज नहीं करते, बच्चों को भी जमीन पर मारने से या दीवार से मारने से, उनके छोटे छोटे बच्चों को। यूपी से सटे प्रदेश के इलाकों में सक्रिय है। तो भी अगर कोई व्यक्ति उनको पकड़ने की कोशिश करता है या कोई बुजुर्ग व्यक्ति होता है या कोई चिल्लाता है तो उस पर लगातार ये सर पे वार करते हैं। इस गैंग का हर नियम खौफ पैदा करता है। एक महीने में भरतपुर में काफी वारदातें हुई थी। गैंग का तरीका होश उड़ाने वाला है। शराब पीते हैं, शराब पी के कुछ अपनी किसी प्रकार की पूजा भी करते हैं वहाँ पर। गैंग का सरदार बनना आसान नहीं। वो सरगना हो जो उनका होता है, सरदार होता है, वो वही बनता है जो कि कम से कम 6 मर्डर कर चुके होता है। राजस्थान के भरतपुर जिले में तेजी से चोरी, लूट और नकबजनी की वारदातें बढ़ने लगी। पुलिस को समझ नहीं आया कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि शहर में खुलेआम वारदातें होने लगी। पुलिस पर सवाल उठने लगे, लोगों में गुस्सा बढ़ने लगा, लेकिन वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही थी। देखते ही देखते भरतपुर के उद्योग नगर चिकसाना, डीक, सेवर, जघीना, टोटपुर, नाऊ का नगला, गुंडवा में डकैती बढ़ने लगी। इस दौरान 2 लोगों की बेरहमी से हत्या भी कर दी गई। पूरे प्रदेश में 14 से ज्यादा हत्या और डकैती की वारदात सामने आ गई। अब पुलिस को लगने लगा था कि शायद भरतपुर जिले में कच्चा बनियान गिरोह सक्रिय हो सकता है। इसके बाद पुलिस ने अलग अलग टीमें बनाई और वारदातों के खुलासे के साथ उनके पीछे के दरिंदों को पकड़ने के लिए सूचना जुटाना शुरू किया। सूचना के आधार पर पुलिस टीमें गठित कर दबिश दी गई और फिर जो सूचना मिली, जो खुलासा हुआ, उसने पुलिस को भी चौंका दिया, क्योंकि इन वारदातों के पीछे कच्चा बनियान गैंग नहीं था, बल्कि एक ऐसी गैंग थी जिसके लिए डर, हत्या, लूट और चोरी जिंदगी का हिस्सा है और वो बड़े फक्र से ये सब करते हैं। और ये गैंग यूपी में सक्रिय है। एक महीने में भरतपुर में काफी वारदातें हुई थी और फिर हमने आगे देखा तो इस प्रकार की वारदातें जो है वो मथुरा में, धौलपुर में अभी हुई हाल में। तो इस पर संयुक्त हमने एफर्ट्स किए, यूपी की पुलिस, धौलपुर पुलिस, अलवर पुलिस और भरतपुर पुलिस। इसके बाद जो मॉडस ऑपरेंडी था वो सब जगह एक सा था। ये बदमाश जो थे वो किसी भी आउटस्कर्ट पे कोई बड़े मकान को निशाना बनाते थे, वहीं से आरी से लकड़ी काटते थे, उसके बाद अंदर प्रवेश करते थे और जो भी व्यक्ति रजिस्ट करता था उसको उस लट से मारते थे। इसके बाद यूपी पुलिस के सहयोग से उनके बारे में जानकारी इकट्ठी की गई तो सामने आया कि यूपी में पुलिस की सख्ती के बाद इस गिरोह ने यूपी से लगे पूर्वी राजस्थान के जिले भरतपुर, अलवर के तिजारा और धौलपुर में अपना डेरा जमा लिया है। इस गिरोह के सदस्य अब तक यूपी में वारदातें कर रहे थे, लेकिन वहाँ कानूनी शिकंजा जब ज्यादा कसा तो ये गैंग राजस्थान आ गई। इसके बाद इस गैंग ने राजस्थान में वारदातें करना शुरू कर दिया। डेरों पे केवल महिलाओं को छोड़ करके और ये लोग जगह जगह निकल जाते हैं, पहले से रेकी कर लेते हैं, वहीं पर डेरे डाल करके, ये इनके डेरे जहाँ डले होते हैं उस समय ये उस गांव की पूरी रेकी कर लेते हैं, उसको छोड़ के चले जाते हैं। ऐसे इनका ये रूटीन चलता रहता है। तो जो आज इन्होंने छोड़ा है उसको 2 महीने बाद, 3 महीने बाद या 6 महीने बाद उसको चूँकि देखे हुए हैं पहले से ही और ये भी चिन्हित कर लिया है कि कौन सा घर कैसा है, किसमें सोना चांदी जेवर ज़्यादा मिल जाएगा, उस घर में ये लोग आ करके 7-8 की संख्या में ग्रुप बना करके और उसमें छत पे से चढ़ करके या कटर से काट करके अंदर घुस करके जंगला निकाल करके ये लोग उसमें अंदर एंटर कर जाते हैं। अब पुलिस के लिए जरूरी था कि वो यूपी पुलिस के संपर्क में आए और वहां से इस गैंग के बारे में जानकारी जुटाए। तो फिर राजस्थान पुलिस ने यूपी के फरुखाबाद की एसओजी टीम का सहयोग लिया और फिर एक एक करके जो खुलासे होने लगे, उसने इस गैंग की कमर तोड़ने के साथ साथ जो खुलासे किए वो रूह कांपने वाले। भरतपुर से रवि की रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। ये गैंग जिसका नाम है 6 मारू, अब तक इस नाम के पीछे की कहानी बेहद खतरनाक है, क्योंकि इस गैंग में सरदार बनने के लिए जो पैरामीटर हैं वो इस गैंग के हर सदस्य को बेरहम हत्यारा बनाते हैं।
और एक ऐसी होड़ शुरू करते हैं जिसके चक्कर में बहरेमी से लोगों की हत्या करने से भी कोई नहीं चूकता। फिर चाहे सामने महिला हो या फिर बच्चा, खौफनाक हकीकत यह है कि ये बाकायदा हर वारदात में हत्या के बाद फोटो खींचते हैं और अपनी गैंग में वायरल भी करते हैं। और फिर क्या होता है, ये रिपोर्ट देखिए। एसपी हैदर जैदी जिन्होंने इस गैंग को पकड़ा है, भरतपुर और अलवर पुलिस का सहयोग लिया गया और उत्तर प्रदेश पुलिस के सहयोग से न सिर्फ इनकी पहचान कराई गई बल्कि इनकी क्राइम कुंडली भी सामने आई। अब हम आपके सामने इस गैंग की वारदात करने के तरीकों का खुलासा करते हैं और इस गैंग की पूरी क्राइम कुंडली दिखाते हैं। ये गैंग खानाबदोश है और छह मारू कहलाते हैं। ये गैंग बिल्कुल कच्चा बनियान गिरोह जैसे दिखती है। इस गिरोह के सदस्य यूपी में ज्यादा सक्रिय है। इस गैंग की शुरुआत पंजाब के लुधियाना से हुई। ये पंजाबी बोलते हैं और गैंग में मुस्लिम होते हैं। ये वारदात करने से पहले काली माता की पूजा करते हैं, फिर वारदात वाले इलाके में आरी से लकड़ी काटते हैं, पेड़ के नीचे ही बैठकर शराब पीते हैं। इसके बाद वारदात को अंजाम देते हैं। वारदात के बाद पैदल ही अपने डेरों में पहुँचते हैं। किसी मकान को आइडेंटिफाई करके वहाँ पर एक आरी से उसको पेड़ को काटते हैं ये, और वहाँ पर ये शराब पीते हैं। शराब पी के कुछ अपनी किसी प्रकार की पूजा भी करते हैं वहाँ पर, और उस पे शराब को चढ़ाते हैं लकड़ी पर, फिर उसको लेके ये नंगे पैर जो हैं जाते हैं और किसी भी घर में घुसकर गृह भेदन कर जो भी अगर कोई व्यक्ति उनको पकड़ने की कोशिश करता है या कोई बुजुर्ग व्यक्ति होता है या कोई चिल्लाता है तो उस पर लगातार ये सर पर वार करते हैं। ये वो जानकारी जिसके बाद भरतपुर पुलिस को आसानी हुई कि वो वारदात में शामिल इस गैंग का पर्दाफाश कर इनको गिरफ्तार करे। गिरफ्तारी करने में सफलता भी हासिल हुई और इस गैंग की 7 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं फरुखाबाद के एसओजी टीम प्रभारी उप निरीक्षक कुलदीप दीक्षित ने बताया कि 6 मारू गिरोह यूपी में सक्रिय गिरोह है। ये सदस्य घुमक्कड़ और खानाबदोश होते हैं। इनका मुख्यालय बरेली मुरादाबाद में है। इन लोगों का रहने का कोई निश्चित स्थान नहीं। ये बदमाश गाँवों में और रेलवे स्टेशन के आसपास डेरा जमाकर ठिकाना बना लेते हैं और दिन में जगह जगह भीख मांगने के बहाने मकानों की रैकी भी करते हैं और समय बीत जाने के बाद 2 महीने या 6 महीने के बाद वारदात को अंजाम देते हैं। प्रदेश में तो इन्होंने बहुत वारदातें की हैं। हर जब भी कोई वारदात करते हैं तो उसमें मोस्टली ये लोग हत्याएं हो ही जाती हैं इनसे, और कोई भी कुरेज नहीं करते। बच्चों को भी ज़मीन पर मारने से या दीवार से मारने से, उनके छोटे छोटे बच्चों को जब मार करके पूछेंगे माँ से कि चाबी कहाँ है, तो माँ को देनी पड़ेगी चाबी। तो कोई भी इतने ब्रूटली तो ये लोग 6 मर्डर इनको करने जरूरी, वो सरगना हो जो उनका होता है, सरदार होता है, वो वही बनता है जो कि कम से कम 6 मर्डर कर चुके होता है। उत्तर प्रदेश में इन पर हत्या, लूट, डकैती जैसे गंभीर अपराधों के लगभग 60 से 70 मुकदमे दर्ज हैं। बच्चों और आदमियों को मारने के लिए संकोच नहीं करते। एसओजी के अधिकारी कुलदीप दीक्षित ने इसके बाद इस गैंग के बारे में जो खुलासा किया, उसने इस गैंग के तरीकों को भी उजागर कर दिया और बता दिया कि क्यों ये गैंग इतनी खतरनाक है। इस गैंग में अंतिम फैसला सरदार का होता है। इस गैंग में सरदार बनना आसान नहीं होता। 6 लोगों की जान लेने पर ही कोई सरदार बन सकता है। ये गैंग मारने के बाद फोटो खींचते हैं, फिर उसे शेयर करते हैं। एसओजी के अधिकारी कुलदीप दीक्षित ने यह भी बताया कि 9 जून और 10 जून को फरुखाबाद में डकैती की वारदात हुई थी, जिसके बाद 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। जिस वारदात में 4 बदमाश फरार चल रही थी, इसके बाद राजस्थान में भी ऐसी वारदातों का पता चला, जिसके बाद इस गैंग को ट्रेस किया गया और फरार चल रहे बदमाशों को भरतपुर पुलिस की सहायता से गिरफ्तार किया जा सका। ये लोग एक डेंजरस ग्रुप है इनका, उसमें अपनी बेबी है दिखाने के लिए जो भी कुछ, और ये दिखाने के लिए कि देख मैंने यहाँ पर जो किया था और किस तरीके से मारा था। तो ये आपस में जो नए लड़के हैं, ये बड़ा मोबाइल रखने लगे हैं, यानी कि एंड्रॉयड मोबाइल, उससे ये लोग फ़ोटो खींच करके वहाँ से ले आते हैं, फिर आपस में एक दूसरे को शेयर करते हैं कि हम लोग मतलब चूँकि इनके अंदर क्रूरता और आए, इनको इनका भाई इनके बराबर में बैठा होगा और उसको मारते रहें, उसको उफ तक नहीं कर सकता वो। पुलिस इस गिरोह की गिरफ्तारी को बड़ी कामयाबी के रूप में देख रही है और गिरोह के अन्य सदस्यों की भी जल्द गिरफ्तारी की बात कर रही है। इसके साथ ही पुलिस का दावा है कि अब भरतपुर में हो रही घटनाओं पर लगाम लगेगी, लेकिन ये गैंग कितना बड़ा है इसका अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि कन्नौज जेल में इस गैंग के 40 सदस्य बंद है, तो वहीं फरुखाबाद जेल में 20 लोग सजा काट रहे हैं। 7 लोग भरतपुर में पकड़े गए हैं और कोई गारंटी नहीं कि अलवर, भरतपुर, राजस्थान के अन्य इलाकों में इस गैंग ने अपना ना जाने कितना बड़ा नेटवर्क फैला रखा होगा। तो आप भी संभल कर रहिए, कहीं ऐसा ना हो कि इस गैंग के सदस्य
भीख मांगने वाले के भेष में आपके घर की रैकी कर रहे हैं। अगर कोई संदिग्ध आपको लगे तो तुरंत पुलिस को सूचना दें, क्योंकि ये गैंग बेहद खतरनाक है और हर किसी में सरदार बनने की होड़ इनको हत्यारा बनाती है। भरतपुर से रवि की रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज़।